हाय इन्वेस्टर्स वेलकम टू एसओ तो आज के इस बिजनेस एनालिसिस में हम टाल प्रोडक्ट्स की बात करेंगे एंड एसओ के चैनल ये सिर्फ फोर्थ आईपीओ एनालिसिस है इससे पहले हमने क्लीन साइज का आईपीओ एनालिसिस करा था नायका का आईपीओ एनालिसिस करा था एंड जो पॉलिसी बता रहे हैं उसका आईपीओ एनालिस करा था तो हम आईपीओ में भी वही ट्राई करते हैं कि जो इंटरेस्टिंग बिजनेस मॉडल हैं शायद से सिर्फ वही कवर हो पर टाल्स एंड प्रोडक्ट्स का एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बहुत की मेंटल मॉडल बता दूं जिसका नाम है वैल्यू माइग्रेशन तो मिस्टर रामदेव अग्रवाल एक जो एक रशियन प्रोफेसर है उनको बार बार साइड करते रहते हैं कि वैल्यू माइग्रेशन एक बहुत इंटरेस्टिंग मेंटल मॉडल है इसका मतलब क्या है कि वैल्यू कीप्स माइग्रेटिंग फ्रॉम वन प्लेस टू दी अदर माने वैल्यू हमेशा माइग्रेट करते रहती है और वैल्यू क्या है ये कुछ भी नहीं बट बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी माने बिजनेस के जो प्रॉफिट पूल्स हैं हमेशा माइग्रेट करते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड्स मैं आपको यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग केस स्टडी बताता हूं तो अगर आप ट्रांसपोर्टेशन में देखेंगे सो इफ यू कंपेयर बिटवी सो इफ यू कंपेयर रेलवेज एंड एयरवेज तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो एयरवेज है उन्होंने इन ट्रांसपोर्ट बहुत ज्यादा मार्केट शेयर जो जो रेलवेज है वहां से ग्रैप करें सिमिलरली यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग वैल्यू यहाँ पे वैल्यू माइग्रेशन ट्रेंड चल रहा है जो काफी लोगों को नहीं पता इस टाइम पे कि केमिकल के केमिकल इंडस्ट्री के अंदर जो uh, फ्लोरीन स्पेस है माने जो जो कंपनीज फ्लोरीन केमिकल करती हैं बनाती हैं वहां पे इस टाइम पे वैल्यू माइग्रेशन चल रहा है क्योंकि जो बाकी केमिस्ट्रीज हैं उससे उससे जा, बहुत ज़्यादा तेजी से फ्लोरीन ग्रो कर रहा है एंड सेकेंडली यहां पे क्या हो रहा है कि फ्लोरिन एनवायरमेंटली फ्रेंडली है एनवायरमेंटली फ्रेंडली के अलावा फ्लोरिन की जो अडेप्टेबिलिटी है और एग्रो जो मॉलिक्यूल्स है उनके अंदर वो भी ज्यादा है तो इस टाइम पे अगर हम स्टॉक मार्केट्स में देखेंगे तो तीन चार कंपनीज लिस्टेड हैं जो फ्लोरिन के अंदर है एक तो नवीन फ्लोरिन है एक एस है एक गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स है एंड

एंड आज के इस बिजनेस एनालिसिस में टाल्स प्रोडक्ट्स के हम सिंपल क्वेश्चन हैं वो पूछ पूछ के एनालिसिस करेंगे क्या करती है जो लैबवेयर प्रोडक्ट्स है वो बनाती है एंड यहाँ पे कौन से लैब वेयर प्रोडक्ट्स बनाती है बेसिकली जो प्लास्टिक लैबवेयर इक्विपमेंट्स है सारे अब इनकी भी हम डेफिनेशन देखेंगे दिखते हैं कैसे हैं बट यहाँ पे एक वैल्यू माइग्रेशन का ट्रेंड चल रहा है कि प्लास्टिक लैबवेयर प्रोडक्ट्स आर गेनिंग मार्केट शेयर फ्रॉम ग्लास लैब वेयर प्रोडक्ट्स अगर यहाँ पे अगर यहाँ पे डेटा देखते हैं कि 2015 में कितना मार्केट शेयर था तो लास्ट वेयर प्रोडक्ट्स का 54 परसेंट मार्केट चेलता प्लास्टिक वेयर प्रोडक्ट्स का 46 परसेंट मार्केट शेयर था ट्वेंटी 2020 में प्लास्टिक वेयर प्रोडक्ट्स का मार्केट शेयर 52 परसेंट हो गया एंड जो एंड जो ग्लास्ट वेयर प्रोडक्ट्स है उनका फोर्टी हुआ ट्वेंटी में प्लास्टिक वेयर प्रोडक्ट का मार्केट शेयर सिक्सटी एक्सपेक्टेड है हो जाएगा एंड जो गालास्ट वेयर प्रोडक्ट है उनका मार्केट शेयर इज एक्सपेक्टेड की थर्टी के आसपास आ जाएगा एंड ये वैल्यू माइग्रेशन इस टाइम पे हो क्यों रही है इसके तीन चार रीजन है पहला रीजन है कि प्लास्टिक इज मच इजियर टू यूज सेकंड रीजन है कि प्लास्टिक इज इजियर टू इज बेसिकली इजियर टू रिसाइकिल जो इनके इनके डीआरएचपी मिलकर एंड थर्ड की रीजन है जो आई थिंक सबसे बड़ा की रीजन यही है कि इट इज चीपर एज कम्पेयर टू इट इज चीपर एज कम्पेयर टू ग्लास इक्विपमेंट्स एंड फाइनली क्या रीजन है कि जब आर एन डी लैब्स में सारे इक्विपमेंट्स यूज होते हैं तो वहां पर कभी कभी क्या होता है कि अगर अगर इक्विपमेंट गिर जाते हैं तो टूट भी सकते हैं तो इसमें जो ब्रेकेज का रिस्क है वो भी एज कंपेयर टू जो ग्लास इक्विपमेंट इक्विपमेंट है उससे कम है पर इंडस्ट्री का जब मैं कोई भी बिजनेस एनालाइज करता हूँ तो हमेशा मैं ये ट्रैक करता हूँ कि शायद से मैंने कोई ऐसी इंडस्ट्री पहले पढ़ रखी या नहीं पढ़ रखी ऐसा मैं बार बार क्यों करता हूँ क्योंकि कभी कभी जितनी भी हम इंडस्ट्रीज पढ़ते हैं जितने भी बिजनेस पढ़ते हैं सब में कुछ ना कुछ कॉमन पैटर्नस तो होते ही हैं तो यहां पर भी मैंने कोशिश करी ढूंढने की कि अगर मैंने ऑलरेडी ऐसी कोई इंडस्ट्री पढ़ रखी हो तो मेरे सामने एक इंडस्ट्री आई जो मैंने बहुत पहले जिसपे काम करा था बाय द नेम ऑफ फैक्ट्रीज

Welcome to RHI Magnesita. We are the world's largest manufacturer of refractory products and the technology leader in the development and production of materials that can withstand temperatures of up to 2000 degrees Celsius. Sounds interesting, right? And what do we need these materials for? Well, let's take your car, for example. It's made out of steel, glass, copper, aluminum, and plastics. These materials are manufactured at extremely high temperatures. In order to produce steel, iron is melted in a crucible and transformed into steel using various processes at temperatures of up to 2000 degrees Celsius. The interior of the crucible has to be lined so that it doesn't start to melt too. This lining is made out of refractory products, which are also used in the production of glass, copper, aluminum, and plastics. But how do these refractory products stand up to such tremendous temperatures? What are they made of, and how are they manufactured? The initial base is made up of several materials, including magnesite, a mineral that Rhi magnesita mines itself, both above and below ground. The magnesite is crushed and then burned in special kilns at a temperature of 1800 degrees Celsius, which produces the refractory properties. The still loose material is then mixed with binders and pressed into various shapes and sizes with up to 3200 metric tons of pressure. This pressing power corresponds to the weight of roughly 900 elephants or 80 loaded semi-trailer trucks. Depending on the application, the refractory bricks are then tempered at up to 350 degrees Celsius or burned for 3 days in huge tunnel kilns at temperatures of up to 1800 degrees Celsius. And how are these refractory products used? The products are installed at the client's facilities by RHI Magnesita in furnaces, installations or containers. But how long can refractory products withstand these extreme temperatures? In the steel industry, refractory materials generally last anywhere from a few hours to several weeks. And in the glass industry, for example, they can last up to about 10 years. After the regular wear and tear, the refractory products are removed and recycled if possible. RHI magnesita represents the entire cycle from the extraction of the raw materials all the way to recycling. Refractory material from RHI Magnesita keeps industrial production up and running 24 hours a day and is irreplaceable for manufacturing the products we तो हम दोनों इंडस्ट्रीज के अंदर सिमिलैरिटीज देखते हैं सो बोथ प्रोडक्ट्स हैव क्रिटिकल एप्लीकेशन है दोनों दोनों प्रोडक्ट्स की क्रिटिकल एप्लीकेशन है माने जब जब हम, की बात, तो आ, जब हम आ, की बात करते हैं तो उनका मतलब टोटल कॉस्ट री प्रोडक्शन में टू थ्री परसेंट ही रहता है सिमिलरली जब हम जो लैब इक्विपमेंट की बात करते हैं तो आर एंड डी के अंदर या फिर सारी चीजों के अंदर इसका कॉस्ट का काफी कम रहता है सेकंडली कॉस्ट इज वेरी लिटिल एज कंपेयर टू दी एंड प्रोडक्शन जो हमने ऑलरेडी बात करी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों इंडस्ट्रीज के अंदर काफी हाई है मोर देन फाइव के आसपास जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रहता है कस्टमर अप्रूवल प्रोसेस इज लेंदी माने दोनों इंडस्ट्रीज के अंदर टू थ्री इयर्स का कस्टमर अप्रूवल प्रोसेस है एंड लास्ट चीज क्या है इंडस्ट्री बात तो जब हम की बात करते हैं तो डेट इज प्रॉक्सी प्ले टू स्टील इंडस्ट्री सिमिलरली जब हम लैब इक्विपमेंट की बात करते हैं तो डेट इज प्रॉक्सी प्ले टू कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन दैट इज कंपनीज डेट इज ऑल्सो अप्रॉक्सिपली टू डायग्नोस्टिक कंपनीज जितनी भी डायग्नोस्टिक कंपनीज है लाइक थाइरोयर की बात कर लो डॉक्टर लाल पैथलैब्स की बात कर लो ये सारी इसकी कस्टमर है सिमिलरली अगर हम फार्मा कंपनीज की बात करते हैं लाइक डॉक्टर रेड्डीज लुपेन सनफार्मा तो ये भी टालसन की कस्टमर है सिमिलरली अगर हम यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन अगर हम सिंजीन की बात करते हैं तो सिंजीन टाइप कंपनीज भी प्रोडक्ट्स की कस्टमर है तो सिंपली इट्स अ प्रॉक्सी प्ले माने अगर कहीं पे रिसर्च होगी कहीं पे आ, कोई भी ऐसा काम होगा का, आर का तो वहाँ पे टालस एंड के प्रोडक्ट्स तो यूज होने ही वाले हैं अब टालस एंड के बिजनेस के अंदर तीन बिजनेस डिविजन आते हैं माने तीन तरीके के प्रोडक्ट बेचते हैं पहले जो ये पहले पे, जो पहले पे, टाइप के जो प्रोडक्ट्स ये बेचते हैं दीज आर नोन एज कंज्यूमेबल्स है कंज्यूम हो जाते हैं आ, 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 आर एन डी के प्रोसेस में सेकेंड टाइप के जो जो प्रोडक्ट्स बेचते हैं दे आर नोन एज माने जो इनका जो इनका है बार बार होते रहते हैं एंड थर्ड टाइप के जो जो प्रोडक्ट्स बेचते हैं दो अदर्स माने दूसरी कैटेगरी में आते हैं पहले टाइप के जो प्रोडक्ट्स हैं विच आर कंज्यूमेबल्स ये आज इनकी सेल्स में क्लोज टू से टू थर्ड के आसपास है माने सिक्सटी थ्री टू सिक्सटी सिक्स परसेंट के बीच में तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि इनके इनके इस, इस कैटेगरी में कौन कौन से प्रोडक्ट्स आते हैं तो पहला जो इनका प्रोडक्ट आता है डेट इज पेट्री डिश पेट्री डिश क्या है कि बेसिकली आ, अगर आपने अपनी स्कूल की लैब में भी देखा है जैसे हम जैसे इस, इस वीडियो में भी देख पा रहे हैं तो बेसिकली इट इज मोस्टली यूज इन कल्चर ऑफ माइक्रोव्स एंड एंड सेंसिटिविटी एसेज एंड टिपिकली इसका यूसेज क्या है कि ऑप्टिकली जो भी माइक्रोव है या कोई भी जो उसके अंदर पेट्री डिश के अंदर सामान पड़े उसकी क्लियर एंड उसकी जो व्यूइंग हो क्लियर हो इजी हो जैसा कि हम इस वीडियो में भी देख सकते हैं सेकंड यहां पे एग्जाम्पल क्या प्रोडक्ट का दैट इज सेंट्रीफ्यूज ट्यूब अब सेंट्रीफ्यूज ट्यूब का क्या पर्पज है कि इट बेसिकली परफेक्ट फॉर वर्सेटाइल एप्लीकेशन सच एज स्टोरेज प्रोसेसेस uh, माने uh, माने इसको uh, कोई भी चीज स्टोर करने के लिए और रिएक्शन प्रोसेस के लिए सिमिलरली एक और यहाँ पे इनका की प्रोडक्ट आता है बाय दिन मो स्टोज वाइल्स अब स्टोरेज वाइल्स क्या करती हैं कि बेसिकली जो भी सैंपल्स हैं अगर आप उनको माइनस एटी डिग्री सेल्सियस पे स्टोर करना है एंड बेसिकली यहाँ तो वन डिग्री सेल्सियस तक स्टोर करना है तो बेसिकली ये ये जो स्टोरेज uh, वाइल्स है इनका यूसेज यहाँ पे होता है एंड अगेन uh, इनका जो बेसिकली uh, यूज है चीज़ों को स्टोर करने के लिए रहता है सिमिलरली अगर हम इनके जो री प्रोडक्ट्स हैं इनको देखते हैं तो यहाँ पे एग्जाम्पल आता है कार्बॉएज का तो जो जो कार्बॉयज है इनका क्या यूसेज है बेसिकली स्टेर करने के लिए जो इंटरमीडिएट्स है उनको स्टोर करने के लिए जैसा कि हम इस वीडियो में इजिली देख भी सकते हैं कि कार्बॉएज का यूसेज क्या चल रहा है मानी लैब के अंदर जितनी भी आर एन डी होती है वहां पे उन सब चीज उन सब चीजों के लिए इनका यूसेज है एंड क्रिटिकल एप्लीकेशन प्रोडक्ट है क्योंकि इट शुड बी टोटली लीक प्रूफ एक और यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं कि और क्या प्रोडक्ट है यहाँ पे देर इज अ प्रोडक्ट बाय द सिलेंडर्स जो जो इस कैटेगरी में आते हैं इस कैटेगरी के अंदरबल्स में इसका क्या पर्पज है बेसिकली जो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड है उ, उ, उसको मेजर करने के लिए यूज होते हैं एंड साथ साथ अगर हम जो लास्ट कैटेगरी में आते हैं डेट इज अदर्स अगर इसमें हम प्रोडक्ट्स देखते हैं तो सेंट्रीफ्यूज वॉल्टेक्स करके प्रोडक्ट्स आते हैं तो इसमें सिर्फ हम जो वॉल्टेक्स है उसका 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 वो देख लेते हैं कि इसका यूसेज क्या है तो जैसा कि हम इस वीडियो में देख सकते हैं कि वॉल्टेक्स का यूसेज क्या है दैट इट इज़ यूज इन ऑल द रिसर्च इट इज़ यूज इन ऑल द रिसर्च एंड लैब फॉर मिक्सिंग एंड शेकिंग माने मिक्सिंग और शेकिंग के लिए यूज होता है जैसा हम इस वीडियो में देख सकते हैं कि जो आपके जितनी भी वाइल्स हैं उनको उनकी मिक्सिंग और शेकेज जो है इसके थ्रू हो रही है माने जो जितनी भी आपकी सेंट्रीफ्यूज ट्यूब्स हैं उनके लिए आई थिंक ये वीडियोस देख के अब आपको आइडिया तो लग ही होगा कि टालस एंड प्रोडक्ट्स का बिजनेस क्या है एंड किस किस कैन किस किस टाइप के प्रोडक्ट्स बनाते हैं एंड एक्चुअली में इट इज़ प्योरली अ प्रॉक्सी प्ले तो इनके प्रोडक्ट्स मैंने काफ़ी ज्यादा स्कांडल बर्ड भी करा था तो इनके पास अभी क्लोज टू ट्वेल्व मार्केट शेयर के आसपास है पर जिन लोगों से भी मेरी बात हुई शायद से मेरी जो थारोकेर में भी बात हुई डॉक्टर लाल में भी बात हुई सब सबके सब जो टाल्स एंड प्रोडक्ट्स के प्रोडक्ट्स हैं इस टाइम पर यूज़ कर रहे हैं अगर हम इस इंडस्ट्री में देखते हैं कि की ट्रेंड्स इस इंडस्ट्री को क्या ड्राइव कर रहे हैं तो यहां पे फर्स्ट की ट्रेंड जो इस इंडस्ट्री को ड्राइव कर रहा है दैट इज इंक्रीजिंग आउटसोर्सिंग ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट जैसे हम इंडिया में क्राइम्स और सीडीएम इंडस्ट्री को भी देख रहे हैं ये ग्रो कर रही है तो यहां पे इंक्रीजिंग आउटसोर्सिंग हो रही है सेकंड की ट्रेंड जो इस इंडस्ट्री को ड्राइव कर रहा है इस टाइम पे जो जो इंडिया की, जो इंडिया की की डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री है उसमें काफी फास्ट पेस ग्रोथ आ रही है क्योंकि जब पैंडेमिक आया था त, 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 तभी इन, 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 इन कंपनीज की ग्रोथ काफी फास्ट रही थी बट वैसे भी इंडिया की जो डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री है एट मोर देन टन टू ट्वेल्व सेंट के आसपास ग्रो करिए थर्ड की ट्रेंड विच इज ड्राइविंग दिस इंडस्ट्री इज जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस करा कि यहाँ पे वैल्यू माइग्रेशन चल रही है एंड फाइनल की ट्रेंड जो इस इंडस्ट्री को इस टाइम पे ड्राइव कर रही है कि एक तो ये फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री है एंड साथ साथ सारे प्लेयर्स के पास जो यहाँ पे जो नंबर ऑफ एसके यूज है वो काफी हाई हो जाते हैं जैसे अगर हम टालसन की बात करते हैं तो इनके पास सेवनटीन हंड्रेड एसके यूज हैं तो सारी कंपनीज के लिए इतने सारे एसके यूज मैनेज करना पॉसिबल नहीं है थ्री हंड्रेड प्रोडक्ट्स के आसपास और सेवनटीन हंड्रेड एसके यूज के आसपास तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द की ट्रेंड्स जो इस इंडस्ट्री को ड्राइव कर रही है अगर आपको ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज का एनालिसिस देखना है

एंड साथ जो फॉरेंसिक्स है माने पर्पज uh, क्या है एसओ आई सी मेंबरशिप का कि आपको बार बार कंटिन्यूसली अपडेट करते रहे तो एस ओ आई सी फोरेंसिक्स वेबिनार में आई थिंक जो इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक केस स्टडीज है कि कैसे आप फ्रॉड अवॉइड कर सकते हैं कंपनीज के अंदर हम लोग वो भी करेंगे वेरी सुन इन नेक्स्ट टू मंथ्स के आसपास एंड दिस वेबिनार विल अगेन बी फॉर फोर टू फाइव आवर्स एंड इसमें जितनी भी uh, जैसे अगर बुक्स लाइक फाइनेंशियल एंड जितने भी रिसेंट इंसिडेंट्स हुए हैं इनकी सबकी बात करेंगे एंड जो इंसिडेंट्स इस टाइम पे हो रहे हो

लैब इक्विपमेंट की मार्केट है अगर उसको देखते हैं यहां पे रियल टेल विंड चल रही है इस टाइम पे तो ट्वेंटी फिफ्टीन से ट्वेंटी ट्वेंटी तक ये इंडस्ट्री टू एटी फोर करोड से फाइव हंड्रेड एंड सेवन करोड की हुई वीरज नेक्स्ट फाइव ईयर में एक्सपेक्टेड है कि ये इंडस्ट्री सिक्सटीन परसेंट सी एजीआर पर ग्रो करेगी वेराज अगर हम वर्ल्ड की भी बात करते हैं तो वर्ल्ड में भी अगर हम देखते हैं जो सिर्फ जो आ, जो प्लास्टिक लैब इक्विपमेंट की मार्केट है वहां पे भी कुछ इस टाइम पे जो जो सी ए जी आर है डेट इज एट 10.5 दैट इज एट 10.5 परसेंटेज क्योंकि इस टाइम पे इंडस्ट्री के अंदर वैल्यू माइग्रेशन का ट्रेंड चल रहा है एंड जो यहाँ पे एंड यूजर्स हैं इनकी तो हमने बात करी थी बट जो एंड यूजर्स की भी ग्रोथ है एक बार एक उसको भी डिस्कस कर लेते हैं

लैब इक्विपमेंट कंपनीज के लिए तो ये तो हमने इंडस्ट्री की ग्रोथ देखी है एंड यहाँ पे हमने ये चीज़ पता करी कि एक्चुअली में जो प्लास्टिक लैब इक्विपमेंट इस टाइम पे मार्केट शेयर गेन कर रही है दैट इज आल्सो रिफ्लेक्टिंग इन द नंबर्स क्योंकि यहाँ पे ग्लोबली 10.5 परसेंट की ग्रोथ है प्लस इंडिया इंडिया में 15 परसेंट की ग्रोथ है अब ऐसी इंडस्ट्रीज ढूंढना काफी मुश्किल होता है जहाँ पे इंडस्ट्री ग्रोथ इट सेल्फ फोर्टीन के आसपास हो अब आप यहाँ पे इंडस्ट्री का जो स्ट्रक्चर है और पी टू पी एनालिसिस करके देखते हैं कि एक कंपनी किसके साथ कंपीट कर रही है इंडस्ट्री काफी फ्रैगमेंटेड इंडस्ट्री है एंड इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत इंडियन एंड ग्लोबल कम्पेटिटर्स हैं अब ग्लोबल कम्पेटिटर्स में आपको एक चीज पहले ही बता हैं जो जो देर इज बाय द नेम बैठे हो थर्मोफिशर एंड फिशर एक्चुअली एक डिफरेंट लीग के अंदर है उसका कंपेरिजन इन कंपनीज के साथ नहीं हो सकता पर जो टालसन प्रोडक्ट्स है एक्चुअली में जो uh, जो चीपर प्रोडक्ट्स हैं एंड एक्चुअली इट इज नोन फॉर इट्स क्वालिटी एट अ चीप प्राइस टाइप्स पर जो थर्मोफेर है आई थिंक उसका कंपैरिजन नहीं हो सकता क्योंकि जो एम है इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन का मॉडल है थोड़ा सा डिफरेंट है माने जो डायरेक्ट कस्टमर है उसी को सेल uh, करते हैं डायरेक्टली इन बल्क टालसन प्रोडक्ट जैसी कंपनी क्या करती है जो इंडियन कंपनी है लैब वेयर इक्विपमेंट पे बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं पैन इंडिया माना जो, जो इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट रीजन में एंड जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनसे उनसे जाके जो कस्टमर्स हैं प्रोडक्ट्स खरीदते हैं अगर हम टालस प्रोडक्ट्स केस में देखते हैं तो इस टाइम पर इनके कुछ 141 which are evenly, which are evenly, uh, the Meaning, 18 18 जो 18 इंडिया में नॉर्थ के अंदर 42 हैं, ईस्ट के अंदर uh, 34 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, साउथ के अंदर थर्टी सिक्स है इस टाइम पेस्ट में इस टाइम पेवन डिस्ट्रीब्यूटर्स के आसपास है और अगर हम इस कंपनी का पी टू भी कंपेरिजन करते हैं विद इट्स पीयर्स तो इंडिया में जो कंपेटिटर्स हैं दी दीज आर फोर कंपनीज वन इज बाय द नेम ऑफ रेमी सेकेंड इज बाय द नेम ऑफ एबडॉस थर्ड इज बाय द नेम ऑफ एक्क्यूमैक्स एंड फोर्थ इज बाय द नेम ऑफ फोर्थ इज बाय द नेम ऑफ जेनेक्सी साइंटिफिक प्राइवेट लिमिटेड अब इन चार कंपनीज का जितना भी फाइनेंशियल डेटा है इन कंपेरिजन टू टाल्स एंड प्रोडक्ट्स वो हमने आपके लिए ऑलरेडी जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर डाल रखा है बट यहाँ पे अगर हम 2021 का डेटा देखते हैं कि यहाँ पे अगर हम फाइनेंशियल रिशियोज के अंदर चेक करते हैं तो 2021 के डेटा में टाल्स एंड प्रोडक्ट्स का जो ग्रॉस मार्जिन है वो 74 परसेंट के आसपास है ऑलमोस्ट मेरा जो इंडियन कंपनीज है लाइक जेनेक्सिस साइंटिफिक इनका थर्टी थ्री परसेंट है एपडॉस का 40 परसेंट है जो एक्यूमैक्स है इनका 53 परसेंट के आसपास है मेरा जो मार्जिन है टालसन प्रोडक्ट्स का फोर्टी वन परसेंट है इसका फोर परसेंट है एक्यूमैक्स लाइव लैब डिवाइसेस का थर्टी परसेंट के आसपास है एपडॉस का फोर्टीन परसेंट के आसपास है एंड जो इन कंपनीज का रिटर्न ऑन इक्विटी है ट्वेंटी परसेंट के आसपास ऑलमोस्ट टालसन प्रोडक्ट्स के मेरा जो जेनेक्सी साइंटिफिक है इनका रिटर्न ऑन इक्विटी सिर्फ 4.5 परसेंट के आसपास है मेरा जो एक्मैक्स लैब डिवाइसेस है इनका यहाँ पे मेंशन नहीं है एंड लास्टली जो आ, अगर हम एक एक और कंपनी देखते हैं पॉली मेडिक्योर तो इनका 22 टू परसेंट केस पास है दिस इज ऑल्सो फैंटेस्टिक कंपनी यहाँ पे अगर हम और पी टू पी एनालिसिस देखते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड तो थर्मो थर्मोफिश साइंटिफिक है विच वॉज इस्टिश इन टू एंड दिस इज एन एम तो सारी कैटेगरीज के नव, आ, के सारी कैटेगरीज के नव, इनका इनके प्रोडक्ट्स अवेलेबल है यहाँ तक इनका प्लांट इंडिया में भी है जो कॉर्निंग है इनका प्लांट इंडिया में नहीं, नहीं है बट ये बाकी सारी कैटेगरी थर्ड कंपनी है ये 2003 में आई थी इनका प्लांट भी इंडिया में नहीं है एंड इनके जो प्रोडक्ट्स उस कैटेगरी के अंदर नहीं आते इस कैटेगरी के अंदर नहीं आते डेट इज नोन एज रीयल्स जो जिनेक्सी साइंटिफिक है इनका भी इस कैटेगरी के इस इस कैटेगरी के अंदर प्रोडक्ट नहीं है प्लांट इंडिया के अंदर है इनके प्रोडक्ट कंज्यूमेबल हैं इनके इनके प्रोडक्ट्स आर इन एंड सेल कल्चर के लिए भी प्रोडक्ट्स हैं सो दिस इज अ कंपेटिटिव इंटेंसिटी एंड एक फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री है टाजन का 12% परसेंट के आसपास मार्केट शेयर है इस इंडस्ट्री के अंदर बट फ्रेगमेंटेशन के अलावा भी यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्या पॉइंट आ जाता है कि इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी या रिटर्न रेशियोज़ हैं दे आर वेरी वेरी हाई

प्राइमरी रीजन क्या है? आई थिंक देर आर टू प्राइमरी देर आर टू प्राइमरी रीजन व्हिच आर दी एस्केलेटर पिच ऑफ दिस कंपनी फर्स्ट प्राइमरी रीजन फर्स्ट प्राइमरी रीजन क्या है कि एक्चुअली में जो डिस्ट्रीब्यूशन है डैट एक्ट्स लाइक अ मोट इन इट क्योंकि जो एंड कस्टमर है उन, uh, उनके बेसिकली वैल्यू चेन में एंटर करने के लिए आपको टू थ्री इयर्स के आसपास लग जाएंगे एंड साथ साथ क्योंकि इन्होंने ब्रांड बिल्ड करा है फॉर फॉर द लास्ट थ्री टू फोर डेकेड्स डैट आल्सो एक्ट्स लाइक एन एंट्री बैरियर क्योंकि किसी कंपनी का मोर देन ट्वेंटी परसेंट होना या सेवेंटी फोर ग्रॉस मार्जिन होना एक्चुअली पॉइंट अ अंपेटेटिव एडवांटेज

प्रमोटर के जो भाई थे उनसे इन्होंने इक्विटी ली थी 49% परसेंट के आसपास की एंड ट्वेंटी नाइनटीन में कैपेक्स करा था जो मैं यहाँ पे लास्ट टू थ्री इयर्स में ग्रोथ देखेगी उस, उस कैपेक्स की वजह से थी एंड 2021 में इन्होंने 5 फाइव का लैंड एक्वायर करा तो ये जो 2021 में इन्होंने लैंड करा है फाइव एकर्स का तो ये अकेला लैंड पार्सल इनकी जो पुरानी पांच फस, पुरानी पांच फैसिलिटीज है उनसे ज्यादा है एंड ये जो अब कैपेक्स होने वाला है फ्यूचर में तो ये जो इस टाइम पे मनी रेज कर रहे हैं आईपीओ के लिए तो इसमें का, 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 काफी हद तक ऑफर फॉर सेल भी है बट जो वन करोड़ के आसपास का है डेट इज बेसिकली फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी एंड जो फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी है उससे ये सारा पैसा कैपेक्स का, में लगाने वाले तो इस टाइम पे कुछ वन फिफ्टी टू टू हंड्रेड करोड्स का कंपनी कैपेक्स कर रही है एंड इस टाइम पे जो कैप पेक्स और है यहां पे एक दो तीन बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हैं जिनके हम टुवर्ड्स द एंड भी बात करेंगे पर पहले क्या इंटरेस्टिंग चीज है कि दिस कंपनी इज गोइंग टू डू दिस दिस कंपनी इज गोइंग टू डू बैकवर्ड्स इंटीग्रेशन इनटू स्टरलाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट्स तो अगर हम इस कंपनी के जो आप, जो अगर आप इनके डीआरएचपी में जो अदर एक्सपेंसेस देखते हैं तो स्टरलाइजेशन इज ऑलमोस्ट थ्री टू फोर करोड्स माने सिक्सटीन परसेंट के अदर एक्सपेंसेस है उसमें इसका काफी एक्सपेंस रहता है तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन से इस न्यू फेसिलिटी में तो ये एक्सपेंस भी एकदम घट जाएगा एंड एक्चुअली में इनके जो ईबिटा मार्जिन है यहाँ से भी ज्यादा एक्सपैंड कर सकते हैं क्योंकि दे आर एक्चुअली गोइंग इन इंटू बैकवर्ड इंटीग्रेशन एंड और भी ज़्यादा अच्छे प्रोडक्ट्स बनाने वाले हैं

को आईपीओ में कंसर्न क्या रहता है कि जब उनमें ग्रोथ आउट होती है और फिर वो आईपीओ पे आते हैं जैसे अगर हमने पेटीएम की आईपीओ की आप बात करो तो लास्ट थ्री ईयर्स में वहाँ पे इनकम ग्रो नहीं हुई इस वजह से हम वैसे आईपीओ को देखते ही नहीं है हमें ग्रोथ चाहिए अगर आईपीओ में आप इन्वेस्ट करें देन देर टू बी एन एलिमेंट ऑफ ग्रोथ राइट सेकंडली अगर हम इस कंपनी के फाइनेंशियल देखते हैं तो इस टाइम पे रिटर्न ऑन इक्विटी ट्वेंटी नाइन परसेंट ट्वेंटी परसेंट ट्वेंटी एट परसेंट के आसपास की है रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल चेक करते हैं दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपन इन्वेस्टेड कैपिटल तो आर ओ आईसी ट्वेंटी फाइव परसेंट ट्वेंटी परसेंट ट्वेंटी वन परसेंट के आसपास है वैसे इस कंपनी का अगर आप ग्रॉस मार्जिन देखते हैं तो ग्रॉस मार्जिन एकदम कंसिस्टेंट है सेवेंटी थ्री सेवेंटी टू सेवेंटी थ्री परसेंट के आसपास एक और अगर हम चीज चेक करते हैं इस कंपनी के अंदर इस टाइम पे शेयर होल्डिंग क्या है एंड इस टाइम पे आईपीओ में कौन अपनी जो एक, जो इक्विटी है बेच रहे हैं इन टर्म्स ऑफ ऑफर फॉर सेल तो जो मैंने आपसे प्राइवेट इक्विटी की बात करी थी इस टाइम पे उनका कुछ 49 परसेंट शेयर है कंपनी कम के अंदर तो ऑलमोस्ट उनका जो बेसिकली दे सेलिंग क्लोज टू ट्वेंटी ऑफ देयर स्टेक आई थिंक उनका बेसिकली आफ्टर द स्टेक सेल उनका जो स्टेक रह जाएगा इस कंपनी में 24.5 परसेंट के आसपास का होगा एंड वेराज प्रमोटर फैमिली की जब हम बात करते हैं डैट इज संजीव सैगल एंड रोहन सैगल तो इन दोनों के पास ऑलमोस्ट 51 परसेंट का स्टेक है बोत ऑडम बोत ऑड एमर फादर एंड सन तो जो रोहन सैकल है बेसिकली ही इज अप एंड कमिंग एंड ये आई थिंक इस कंपनी को फ्यूचर में आगे लेके जाएंगे एंड इस टाइम पे इनका स्टेक फिफ्टी वन परसेंट है एंड ये लोग भी आईपीओ में एटलीस्ट वन परसेंट के आसपास जो अपना स्टेक है सेल कर रहे हैं सो आई थिंक आईपीओ में मतलब आई थिंक वन थाउजेंड करोड के आसपास का आईपीओ है जिसमें से वन फिफ्टी करोड़ ऑफ आई पी ओ इज फॉर बेसिकली फ्रेश इक्विटी एंड बाकी सारा ऑफर फॉर सेल है सर हम कंपनी के अंदर एंटी थीसिस पॉइंटर्स देखते हैं इस कंपनी के अंदर खराब क्या हो सकता है बिजनेस मॉडल में इस कंपनी के बिजनेस मॉडल में रिस्क है तो पहला रिस्क जो इस कंपनी के बिजनेस मॉडल में है डट इज की जो इनका रॉ मटेरियल है 75 परसेंट के आसपास रॉ मटेरियल इनका इंपोर्ट होता है अब ये सेवेंटी रॉ मेटीरियल का इंपोर्ट क्यों होता है क्योंकि ये जो प्लास्टिक के ग्रेड्स हैं क्योंकि इंडस्ट्री इंडिया में इंडस्ट्री काफी छोटी है लाइक प्लास्टिक लैबवेयर की तो ऐसे ग्रेड्स इंडिया में बनते नहीं है एक्चुअली में थोड़ी सी हमारी केमिकल इंडस्ट्री की आ, क्योंकि हमने कंपनीज पढ़ रखी हैं तो वन ऑफ द रीजन इज की जो हमने दीपक नाइट्राइट में देखा दीपक नाइट्राइट फिनॉल बनाता है जो फिनॉल का बाय जो डाउन स्ट्रीम है प्रोडक्ट दैट इज नोन बाय द निमो बाई दैट इज नोन बाय द नेम ऑफ तो बायसफिन इस टाइम पे इंडिया के अंदर बनता नहीं है सारा का सारा इंपोर्ट होता है सो इज वन ऑफ द की जो ये कंपनी इंपोर्ट करती है एंड साथ साथ अगर हम और प्रोडक्ट्स देखते हैं कंपनी डेट इज पीपीपीएस एच डी पी एंड एल डी पी ये सारे प्रोडक्ट्स ये कंपनी इंपोर्ट करती है, है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो सकती है इस कंपनी के अंदर क्योंकि इनका प्राइसिंग लिस्ट हमेशा एनुअली लिस्ट होता है माने इनका जो प्राइसिंग लिस्ट है वो एक साल में एक बार ही पब्लिश होता है तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि अगर रॉ मटेरियल की प्राइसिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो इनके जो मार्जिन दे कैन गो फॉर अटॉस सेकेंड की एंटी थीसिस पॉइंटर इस कंपनी के अंदर क्या है कि एक्चुअली में कंपनी अभी तक प्राइवेट थी एंड फर्स्ट टाइम अब जाके पब्लिक हो रही है तो हमें यह नहीं पता कि जो प्रमोटर्स हैं उनका जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वो कैसा आएगा आफ्टर लिस्टिंग थर्ड की एंटी थीसिस पॉइंटर इसका इस, इस बिजनेस के अंदर क्या हो सकता है कि जो कंपनी सेक्रेटरी है उन्होंने आईपीओ से एक साल पहले ही रिजाइन कराए एक, एक और यहाँ पे क्या, क्या की एंटीथीसिस पॉइंटर हो सकता है बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन रिस्क जोग्राफिकल कॉन्सेंट्रेशन रिस्क क्योंकि सारे प्लांट्स एक ही स्टेट में है अगर उस स्टेट में प्रॉब्लम होगी तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है कंपनी के लिए जैसे हमने हाइकिल केस के में देखा था कि उनका एक वन ऑफ द प्लांट इन तो पे महाद में जब फ्लडिंग आई तो उनका प्लांट ऑपरेट करना बंद कर गया सिमिलरली अगर ऐसा हो ना बट अगर बंगाल के अंदर कोई नेचुरल कलेमिटी आती है कोई पोलिटिकल क्राइसिस होता है क्या पता है इनके बिजनेस पर भी इम्पैक्ट हो पाए सो दिस इज ऑल्सो की रिस्क इन द बिजनेस जो आपको एक बार सोचना चाहिए राइट फाइनली कमिंग टू द वैल्यूशन ऑफ द बिजनेस तो कंपनी का मार्केट कैपिटाइजेशन थर्टी फाइव हंड्रेड एंड ट्वेंटी टू करोड्स के आसपास है विकॉज कंपनी का जो प्रॉफिट आफर टैक्स है अगर हमेलिंग ट्वेल्व मंथ पे देखें तो एटी एट करोड के आसपास है तो थर्टी फाइव हंड्रेड एंड ट्वेंटी टू करोड़ को कर अगर हम एटी एट करोड से डिवाइड करते हैं तो फोर्टी टाइम्स पी रेशियो आते हैं फोर्टी टाइम्स के आसपास मेरे ओपिनियन में शायद से वैल्यूड है क्योंकि इनका जो रिटर्न ऑन जो रिटर्न ऑन इक्विटी देख रहे हैं ट्वेंटी के आसपास है एंड कंपनी के पास फेयरली देर इज एन एलिमेंट ऑफ प्राइसिंग पावर सो दिस इज वन ऑफ द आई इन विच लाइक आई वेल बी अप्लाइंग एंड आई थिंक दिस कुड बी वेरी इंटरेस्टिंग अगेन दिस इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस क्योंकि हमें जो इसका बिजनेस मॉडल है वो काफी अच्छा लगता है थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग डू अस नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये वीडियो कैसी लगी एंड साथ साथ आप इस आईपीओ में अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे मेरे को आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए जय हिंद